आजम खान साहब या उनका परिवार इसलिए तकलीफ परेशानी में है क्योंकि वो समाजवादी है। आज अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हर मुद्दे को उठाया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, लेकिन सोशल मीडिया पर जनता उस वक्त बोल पड़ी जब अखिलेश यादव ने आजम खान का समर्थन किया। दिखाएंगे आपको कि आखिर जनता क्या बोली, लेकिन उससे पहले आपको जान लेना चाहिए कि आखिर अखिलेश यादव ने आजम खान को लेकर क्या कुछ कहा। दरअसल आज अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक प्रेस वार्ता की जिसमें उन्होंने हर मुद्दे को उठाया, आरक्षण से लेकर किसानों तक के मुद्दे पर अखिलेश यादव खुलकर बोले। सारस को लेकर भी अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा, लेकिन उस वक्त सबके कैमरे का फोकस बढ़ गया जब अखिलेश यादव ने ये बोला कि आजम खान साहब और उनका परिवार इसीलिए तकलीफ और परेशानी में है क्योंकि वो समाजवादी हैं। आजम खान साहब या उनका परिवार इसलिए तकलीफ परेशानी में है क्योंकि वो समाजवादी है। ये अधिकारी जो अन्याय कर रहे हैं, हम तो इनसे कहेंगे अन्याय कर लो, मन भर लो, पेट भर ले, लेकिन जो ये आप काम कर रहे हो इसका क्या संदेश जा रहा है? मुझे याद है अधिकारियों ने इटावा से सारस संरक्षण के लिए वो बना रहे थे रिसर्च सेंटर, उसको भी छीना इन्होंने। ये न केवल आम लोगों के दुश्मन हैं, किसानों के दुश्मन हैं, ये पेड़ पंछियों के भी दुश्मन हैं। अभी जो कार्यक्रम हुआ था इन्वेस्टमेंट मीट, इन्होंने पेड़ नहीं लगाया, पेड़ों को काटा छाटा, पेड़ उड़ा करके फेंक दिए। जो गमले लगाए वो सूख गए, चोरी हो गए, और बीजेपी के लोग ही चोरी कर ले गए। ये जितने गमले चोरी हुए सब बीजेपी के लोग चोरी करके ले गए। ये सारस का संरक्षण केंद्र बन रहा था इटावा में, वो छीन लिया। सारस मित्र बनाए जाते थे, उनका मानदेय छीन लिया। बर्ड फेस्टिवल होते थे, वो खत्म कर दिए उन्होंने। ये बीजेपी वालों से उम्मीद नहीं कर सकते आप। लेकिन अखिलेश यादव ने जैसे ही आजम खान का नाम लिया, सोशल मीडिया पर जनता भी भड़क उठी और किस तरह से उनकी क्लास लगाई आप देखिए जरा। अली अब्बास कादरी लिखते हैं, आपने क्या किया महाराज, कुछ करोगे आप या बस माइक के सामने ही बोलना है? एक ट्विटर यूजर ने लिखा है, आजम खान जैसे खूनी भेड़िए की खुलेआम पैरवी करके समाजवाद के बैनर तले प्रदेश में अराजकता आतंक फैलाने वाले को खुली छूट दे दी टोटी चोर ने। अगर बीजेपी से इतनी शिकायत है तो कोर्ट जाओ, कौन रोकता है? गुंडे माफिया रंगदारों की पैरवी एसपी करती है, जनता सब जानती है। भवन सिंह लिखते हैं, पापा मैनपुरी से, बेटा आजमगढ़ से, बीवी कन्नौज से, चचेरा भाई बदायूं से, चाचा बहराइच से, मामा इटावा से, साली खीरी से, साला अकबरपुर से, छोटा भाई फिरोजाबाद से, और छोटे भाई की पत्नी को भी टिकट देने पर विचार हो रहा है, ये है समाजवादी पार्टी। एक और ट्विटर यूजर ने लिखा, लेकिन आप लोग को सड़कों पे आके आजम खान जी के परिवार का समर्थन करना चाहिए। बीजेपी एक एक करके मुस्लिम नेता को झूठे केस में फंसाकर जेल में डाल रहा है और सब पार्टी चुप है। मोहम्मद आजम लिखते हैं, अरे दलालों कभी जाकर आजम खान साहब से भी पूछो कि उन्होंने भी इनसे किनारा किया है कि नहीं किया है। मुसलमान तुम्हारा चुनाव में इतना साथ देगा कि अपनी जमानत भी नहीं बचा पाओगे। तो देखा आपने, अखिलेश यादव ने जैसे ही आजम खान का नाम लिया, उनके समर्थन की बात कही, वैसे ही सोशल मीडिया पर जनता ने उनकी क्लास लगा दी। आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए, साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।